हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। आज मैं ले रही हूँ क्लास एलकी जी, विषय है हिंदी। विषय है हिंदी। बच्चों कल हमने देखा व्यंजन ज, ज से क्या है बच्चों, बोलो बोलो क्या है ज से? जहाज। मैंने आपको कल होमवर्क दिया था ना, टेक्स्ट बुक और नोटबुक में आपने किया। ओके, पहले इससे पहले आज का जो नया व्यंजन है ना बच्चों, आज मैं दो व्यंजन ले रही हूँ। जैसे कि ज, जिस तरह से आपने ज बोला ना, उसी तरह से आज झ, जोर से आवाज में से ए आवाज निकलता है, व्यंजन ओ है झ। क्या बोलते हैं? झ। झ से झरना, और ये य, क्या बोलते हैं इसे? य। ओके, पहले हम स्वर और व्यंजन की पढ़ाई करते हैं। ओके, अभी किताब खुली है बच्चों। ओके, पहले स्वर पढ़ते हैं, चलो। अ आ ई ई ऊ ऊ रू ए आई ओ औ आम आहा। बच्चों ए थे स्वर, और एक बार अ आ ई ई ऊ रू ए आई ओ औ आम आहा। अब बच्चों देखते हैं व्यंजन। अभी भी मेरे साथ बोलिए, क ख ग घ न्य, और एक बार क ख ग घ न्य, च छ ज झ य, ट ठ ड ध न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, स श स ह क्ष त्र ज्ञ श। बच्चों एते स्वर और व्यंजन। अब मैं बच्चों आज का जो व्यंजन है ना, उसके बारे में आपको बताती हूँ। पहले व्यंजन पढ़ते हैं, चलो। क से कबूतर, क से कबूतर। क से बनने वाले कुछ शब्द हैं यहाँ। क से कमल, क से कछुआ, क से कक्षा। ओके, और एक व्यंजन देखो बच्चों, क के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ख। ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खजूर, ख से खत, ग से गधा, ग से गदा, ग से गगन, ग से गमला, घ से घड़ी, घ से घन, घ से घर, घ से घड़ा। ये है ञ। अब है च। च से चपरासी, च से चमन, च से चटाई, च से चम्मच। अब बच्चों च के बाद जो आता है व्यंजन वो है छ। छ से छड़ी, छ से छत, छ से छतरी, छ से छलनी। नेक्स्ट छ के बाद ज। ज से जहाज, ज
जैसे कागज, जैसे जल, जैसे जवान। आज का जो व्यंजन है ना बच्चों वो है झ। झ से झरना। आपने देखा है झरना बच्चों? देखा है पहाड़ों के बीच से जो पानी निकलता है, देखा है ना आपने? ये है झरना। ओके, झ से बनने वाला ये शब्द है, इसलिए झरना। झ से झरना। देखो बच्चों, पहाड़ है, पत्थर है, पत्थरों के बीच में से पानी आता है ना, देखो इसे झरना बोलते हैं। देखो झ से झरना, पहला अक्षर ये झ है ना, देखो इसमें भी झ से झगड़ा, झ से झाड़ू, झ से झंडा। इसमें देखो बच्चों, झ से झगड़ा, झ झ से झाड़ू, झ से झंडा, ये सब क्या है? झ से बनने वाले शब्द है बच्चों। आप झ कैसे निकालते हैं आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा एक स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, आपको एक खड़ा छोटा सा निकालना है, जिस तरह से न्य निकाला है ना उसी तरह से ए न्य की जैसा निकालना है। देखो बच्चों, ऐसे करके ऊपर की ओर जाके इस तरह से एक गांठ करना है और एक स्लीपिंग लाइन देना है। नेक्स्ट देखो, खड़ा लकीर इस तरह से जाकर इसके ऊपर से आना है और स्लीपिंग लाइन, खड़ा लकीर और स्लीपिंग लाइन। झ से झरना, जिस तरह से अपनी न्य निकाला था ना बच्चों, देखो देखो इस तरह से पहला निकालना है और बाद में उससे गांठ इस तरह से करना है। देखो इस तरह से ई से इमली निकालते हैं ना, उसी तरह से निकालना है और इस तरह से करना है। झ से झरना, 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 झ से झगड़ा। समझ में आ रहा है आपको जो? आप भी इसी तरह से झ से झरना निकालिए अपनी टेक्स्ट बुक में। झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, झ से झाड़ू, झ से झंडा। देखो बच्चों, झ से बनने वाले शब्द है झ से झरना, झ से झगड़ा, झ से झाड़ू, झ से झंडा, झ से झंडा। देखो बच्चों, आप भी इसी तरह से अपने बुक में लिखिए। नेक्स्ट है य। य है एक साइलेंट वर्ड, नाक में से आवाज आने वाला य है। देखो बच्चों कैसे करना है, पहले ऐसे गोल करना है और स्लिपिंग लाइन लेना है, ऐसे गोल करके स्लिपिंग लाइन, ये देखो ऐसे करके एक खड़ा लकीर य। इन नाक में से आवाज आने वाला है वर्ड से य। देखो पहले जो पहले ऐसे गोल करो स्लिपिंग लाइन, खड़ा लकीर, ऐसे गोल करो सीधी लकीर, खड़ी लकीर, य य य य य य य य य। ओके बच्चों,
अब मैं टेक्स्ट बुक वर्क आपको दो पेज दे रही हूँ, अब जो है नोटबुक वर्क में आज का वो नोटबुक वर्क है। एक पेज जो है झरना लिखना है और दूसरे पेज में यह एक पेज लिखना है। आज का होमवर्क है आपको, देखो बच्चों, थ्री लाइन में हाफ स्टैंडिंग लाइन ऐसे ई तो जैसे निकालना है और झ से झरना इस तरह से अभी निकालिए। ई निकालते हो ना उसी तरह से ई निकालो और एक स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन करने से झ बनता है। झ से झरना, झ से झाड़ू। देखो बच्चों, इसी तरह से आप भी अपनी थ्री लाइन नोटबुक में आज का एक होमवर्क ही लिखना है। झ से झाड़ू, झ से झंडा, झ से झगड़ा, बच्चों आज का आपका होमवर्क समझ में आ गया आपको? झ से झरना, एक ई जैसा निकाल के इसे स्लीपिंग लाइन खड़ा लकीर, इसे ई जैसे निकाल खड़ा लकीर सीधे लकीर। झ से झंडा, देखो बच्चों आज का आपका ये होमवर्क है। एक पे झरना लिखना है। अब है न्य, जैसे कैसे निकालते हैं देखो बच्चों, सॉरी, देखो ऐसे करना है स्लीपिंग लाइन खड़ा लकीर, ऐसे गोल करो सीधी लकीर खड़ी लकीर, ये देखो ऐसे लिखना है ओके। आप भी इसी तरह से या ऐसे आवाज निकाल के लिखिए या, पहले ऐसे गोल करो सीधी लकीर खड़ी लकीर या। देखो बच्चों आप भी इसी तरह से आज का होमवर्क है झ और य। ओके सो स्टूडेंट, डेली आप स्वर पढ़ते रहिए, व्यंजन पढ़िए, गिनती पढ़ते रहिए। आज का आपका ये होमवर्क है। अब मैं बताती हूँ गिनती। गिनती मेरे साथ बोलिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चों समझ में आ रहा है? बच्चों आज का क्लास खत्म होता है। नियमित रूप से स्वर व्यंजन पढ़ते रहिए, गिनती भी पढ़िए और अच्छे अक्षरों में स्वर और व्यंजन का प्रैक्टिस कीजिए। आज का क्लास खत्म होता है। थैंक यू।